मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको घुमाते हैं नासू एरिया। बट नासू हमें जाना है तो ऑन द वे हमें मिली जगह ये जो है हेवा कान ऑन, एक्चुअली जापनीज में कान ऑन। तो इसकी गाइड मिली है, गाइड में लिखा है कि फाइनली कार्व्ड स्टोन बुद्धा स्टैचूज नोन एज क्लिफ कार्व्ड बुद्धास ऑफ द ईस्ट। और मैं योगेशन अब घूमते हैं। एक्चुअली क्या है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं, तो बाहर ही बाहर से आपको दिखाते हैं फिलहाल। बट अप टू एक्सटेंट जहाँ भी कैमरा यूज़ हो सकता है वहाँ यूज़ करेंगे, दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, पूरा स्टोन के अंदर है, मतलब नेचुरल केव के अंदर है सारा। अब केव है अंदर पता नहीं, बट सब कुछ नेचुरल है। यहाँ पे एंट्रेंस है, इसके बाद शायद फोन अलाउड नहीं है। और देखो मजे की बात, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है, सुबह से स्नोफॉल हो रही है, टोक्यो में भी हो रही है। और अब चलते हैं अंदर। दोस्तों अंदर से घूम के आगे, वहाँ पे एक्चुअली कैमरा एक्चुअली आउट नहीं है। तो अंदर है क्या, बुद्धा की मूर्ति कार्व्ड है स्टोन पे ही, जैसे हमारे देश में होता है कई जगह पे। बट एक्चुअली बहुत यूनिक है। और एक मूर्ति जिसमें अलग अलग मुद्राएं हैं बुद्धा की, जिसमें नमस्ते भी है और अलग अलग योगा की मुद्रा भी हैं, बहुत तरह की मुद्राएँ हैं। तो अंदर जो है इन्फॉर्मेशन भी इसी टाइम स्पीकर चल रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि 1200 साल पुरानी आर्ट है ये, जिसमें कार्विंग हुई थी। और उस समय बहुत ज़्यादा मेटल भी था उसमें यूज़, और गोल्ड भी था, जो काफ़ी मतलब स्पार्कल करता था। बट ओवर द टाइम ये सारी चीज़ निकल गया, सिर्फ स्टोन रह गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जगह, बहुत छोटी है, मतलब आपको जस्ट वॉक करके विद इन 2-3 मिनट्स आप बाहर आ सकते हो। और छोटा सा है, अब इसको देख के अब नेक्स्ट ये था ओया, अब जाएंगे हम हेवा कान ऑन। तो यहाँ पे ओमिकुजी भी कर सकते हैं 100 yen 200 yen पे। अपना लग ट्राई कर रहे हो, अपना लग ट्राई आप बर्फ अपना टूर में आगे क्या होने वाला है ओमिकुजी में देखते हैं। तो ओया कानोन देख लिया, अब हम चलते हैं हेवा कानोन, जहाँ से 3 मिनट की दूरी पे है। अब नेक्स्ट जा रहे हैं हम हेवा कानोन, जो बिल्कुल पास में ही है, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है अंदर, जो हमने ओ या कानन में देखा, जो आपको बताया था कि बहुत सारी मुद्राएं हैं। ये देखो, हाथ नमस्ते कर रही है मुद्रा, यहाँ पे ये कौन सा था मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक है, और ये अलग अलग मुद्राएं हैं यहाँ पे, बिल्कुल हमारे इंडिया में जैसे गॉड की मुद्रा होती है। तो ये अंदर देख रहे हैं, और यही 1200 साल पुरानी है। देखो यहाँ पे लिखा है 810 ईयर 810, कितना 810 कितना हो गया, 1200 साल पुराने हो गए ऑलमोस्ट, है ना। बहुत पुरानी आर्ट है, ये स्कल्पचर है। तो ये देखते हैं, इसके साथ अंदर और भी थी जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है हेवा कानोन, लेट्स गो। ये देखो दोस्तों, बहुत बड़ा मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर। और पता नहीं पुराने टाइम पे लोग यहाँ रहते थे क्या था। ये देखो, ये इसकी एंट्री है सामने से, बड़ी बड़ी दीवारें। और ये देखो एक्चुअली में हेवा कानोन, ये रहा हेवा कानोन। तो ये लिखा है दोस्तों, हेवा कानोन। नाउ लेट्स गो टिल द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो दोस्तों देखो, बर्फ पड़ रही है सुबह से, और पेड़ों के ऊपर पूरी पूरी वाइट चादर छा चुकी है। और सामने वो है ओ या कानोन, जहाँ से आए हम। और ये देखो, यहाँ तक बर्फ पड़ चुकी है। थोड़ा तो ना हम लोग घबरा भी रहे हैं, क्योंकि यार स्नो टायर वाली कार तो लाए हैं, बट हमने सुना है कि नासू में चेन भी चाहिए होती है अगर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ गई। और आज स्नोफॉल वैसी हो ही रही है, और आगे और भी होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा डर तो लग रहा है हमें, बट चलो देखते हैं, देखी जाएगी। नहीं तो कैसे तैसे करके होटल में टाइम स्पेंड करके लौट जाएंगे। बट कल मौसम ठीक है, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, लंच करते हैं और पहुंचते हैं नासू।
तो दोस्तों वी हैव अराइव्ड एट मिखायरी सस्पेंशन ब्रिज जो करीब करीब 2 घंटे दूर था हेवा को कान्नोन से और यहाँ पहुँच गए थे। देखते हैं बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिज हैं और यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। देखो मैप दिया हुआ यहाँ पे, ये देखो हम यहाँ पे हैं अभी और ये रहा वाटरफॉल एंड हियर इज द सस्पेंशन ब्रिज। ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, ये वहाँ पे वाटरफॉल है एंड देन यहाँ वाटरफॉल पार्क डैम वाटरफॉल फॉल वाटरफॉल इतने हैं ज़्यादा यहाँ पे। तो चलते हैं, भैया एक ब्रिज तो निकल गया छोटा सा, बट वो सस्पेंशन ब्रिज नहीं था, कुछ और था, एक वुडन ब्रिज था। हम जा रहे हैं आगे सस्पेंशन ब्रिज ढूंढने के लिए, लेकिन बारिश है तो थोड़ा सा स्लिपरी और क्या, तो संभल के चलना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। आखिरकार एट लास्ट पहुंच गए हम सस्पेंशन ब्रिज पे, आपको दिखाते हैं अब। और इससे पहले बर्ड वॉचिंग के लिए भी अच्छी जगह है ये, जो यहाँ पर ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली सीन स्मॉल बर्ड्स। तो चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज में एंड और इसके आसपास मस्त, अरे शुरू हो गया सस्पेंशन स्टार्ट हो गया, मस्त लेक भी है, वाह इसके नीचे तो बहुत बढ़िया लेक है, ब्यूटीफुल, वाह। चलो सस्पेंशन ब्रिज को, यहाँ के राम झूला लक्ष्मण झूला को देखते हैं। चलो जी चलो घुमाते हैं आपको सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है कोई आ नहीं रहा यहाँ पे और खाली खाली, मेरे ख्याल से गाँव मतलब तो कनेक्ट कर रहा है तो माउंटेन्स का और गांव के लिए शायद शॉर्टकट होगा, इसीलिए से इंडिया में भी होता है गाँव में। तो बस हाँ हिल रहा है भैया, हिल रहा है ये देखो मैं ढूँढूँ वो लेक दिखा दो, बहुत अच्छी लग रही है। अरे भाई साहब बड़ी ठंडी हवा चल रही है, हाथ हालत खराब हो रही है। ओ भाई साहब मस्त लेक और बहुत सारी डक्स वगैरह भी हैं इसमें। एक्चुअली ये हाइकिंग ट्रेल है और इसी वजह से यहाँ पे रास्ते में अलग अलग छोटे छोटे वाटरफॉल का नाम दिए हुए हैं। तो पूरा आगे रास्ता जा रहा है, क्रॉस करके दिखाते हैं आपको, पता नहीं कहाँ जंगल में हाइकिंग के लिए जा रहा है। अभी तक यहाँ पे बियर की वार्निंग तो नहीं है बट ऊपर जाके शायद होगी, चलो आगे देखते हैं। यस यहाँ पे आके भी 2 ट्रेल बन जाते हैं, ये भी व्यू हारूना ताकि कुछ वाटरफॉल तक का है, 2.8 किलोमीटर है यहाँ से एंड ये कहीं और दूसरा वाला किसी और जगह ट्रेल के लिए, ये हाइकिंग ट्रेल है, अच्छा है। और दोस्तों पीछे पहाड़ भी ना, टॉप पे बर्फ पड़ी बहुत सारी और देखो बड़ा घना जंगल है, मस्त घना। सो दोस्तों ये है वो रास्ता जो आता है मिखायरी वाटरफॉल तक। तो ये रहा आपका मिखायरी वाटरफॉल, शांत बिल्कुल, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप आराम आराम से, कम ही है बर्ड्स लेकिन तब भी सुनाई दे रही है। कहाँ पर है और ऊपर छोटी छोटी ये गई सुनाई दे रही है। पहुंच गए हैं दोस्तों अब हम नासू क्लासिक कार म्यूजियम, तो चलते हैं क्लासिक कार्स देखते हैं। वैसे एक स्टेन ग्लास म्यूजियम भी था ऑप्शन बट उसमें एक्चुअली चार्ज लग रहा था तो हमने उसको ड्रॉप करके सोचा कार्स देखते हैं क्योंकि लड़के हैं तो गाड़ियां ही पसंद करेंगे ना, ठीक है तो वहीं पर चले गए हम। वर्ल्ड पुलिस हेड कलेक्शन, दोस्तों बहुत बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे, हर ब्रांड है मतलब फोर्ड फरारी बेंटले डाइमलर वट एवर, मतलब जो नाम सोच सकते हो सारे यहाँ पे कार्स हैं और स्पोर्ट्स कार्स हैं,
हर टाइप की कार है, तो सब कवर करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप यहाँ आओ, देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त मस्त कार्स हैं, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज याद आ गई। दिस इज पुलिस कॉर्नर, सर्विस मेडल, बैजेस, सब कुछ है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दी क्लासिक कार म्यूजियम हम जा रहे हैं सुसुजी सस्पेंशन ब्रिज, और हम पार्किंग पहुंच गए, लेकिन हम ना पहाड़ की साइड आ गए तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे पूरा रास्ते में, मतलब रास्ते में बर्फ नहीं है, थैंकफुली रोड पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन आसपास बर्फ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और अब आपको दिखाता हूँ सुसुजी सस्पेंशन ब्रिज जाने का रास्ता। सुसुजी सुसु नहीं है, सुसु रास्ता पूरी बर्फ ही बर्फ़ है और पूरे ब्रिज में बर्फ़ है, वो चलते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई, वाह वाह भाई वाह। तो अभी अगर आपने कोई ट्रिप प्लान करे तो नासू आ सकते हो, बर्फ काफी कुछ है देखने के लिए। और देखो रास्ते में बर्फ नहीं है। आ गई, फिसलने का, यहाँ फिसल जाऊंगा मैं नहीं जा रहा। 630 मीटर तक है। तो सुसुजी सस्पेंशन ब्रिज 160 मीटर। तो दोस्तों पहुंच गए हम सस्पेंशन ब्रिज, और काफ़ी लोग हैं यहाँ, काफ़ी भीड़ है और बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। तो देखो जी सस्पेंशन ब्रिज में और हर जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी है, पूरी पूरी वैली जो है ना बर्फ से ढकी हुई है। ओ देखो वो गाड़ी जा रही है, नहीं से आया हम, वो हिल रहा है ब्रिज। ओ देखो बर्फ ही बर्फ अभी पड़ रही है, बर्फ हल्की भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, हायर ग्राउंड है ना ये। देखो दोस्तों कितना हिल रहा है ब्रिज ये, देखो ओ बाप रे, बहुत बहुत तेज हवा चलने लगी है। ओह बहुत ठंड लग रही है, मैंने तो ग्लव्स भी गाड़ी में छोड़ दिए। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा हो गया अचानक से, बहुत ठंडा हो गया। सो यहाँ पे रेस्टिंग एरिया है, रेस्ट एरिया एंड व्यू डेक भी है। तो देखो यहाँ पे आके सामने से पूरा ब्रिज, और काफी हिल रहा था यार। तो ये ना स्नो अभी बहुत सॉफ्ट है, ये बिल्कुल फ्रेश पड़ी है, देखो देखो बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी है, मजा आ गया, बिल्कुल फ्रेश है, मस्त, पूरी हाथ ठंडे हो गए, मस्त। तो दोस्तों अब ठंड में कांपते कांपते हिम्मत भी खत्म हो रही है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है, फुली गियर नहीं है। तो अब चलते हैं वापस सुसुजी सस्पेंशन ब्रिज हमने देख लिया, अब चलते हैं आगे, एक किलिंग स्टोन जगह है वहाँ पहुँचते हैं, वो दिखाते हैं, फिर चलेंगे होटल। अब हम आ गए हैं द प्लेस कॉल्ड किलिंग स्टोन, जिसको जापानी में बोलते हैं सासो सेकी। तो इसमें स्टोरी है कि जो सल्फर की स्मेल से बहुत तेज बर्फ पे छत से ना जितनी बर्फ जमी सबके देखो नीचे आ रही उड़ के, तो स्टोरी है कि उसकी वजह से छोटे छोटे एनिमल्स थे वो मर गए थे, इसलिए इनको किलिंग स्टोन्स बोलते हैं। और वहाँ तक जाना है टॉप तक हमें, यार मेरे को ना डाउट है, मेरे ना जूते फिसलेंगे गिरूंगा मैं यार, बट चलो चलना तो है ही, यहाँ से चलते हैं, ये है रास्ता जाने का, चलो जी। सो दोस्तों थैंकफुली तेज़ हवा रुक गई है तो ठंड कम लग रही है, तो टॉप तक जा रहा हूँ। योगी सान तो पीछे रह गए हैं, आ रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आगे तो चलते हैं जो लास्ट पॉइंट है यहाँ का। तो ये ऑपोजिट साइड का व्यू है, वो दूर पार्किंग है, योगी संत तो दिख ही नहीं रहे, और यहाँ पे ना सल्फर की स्मेल आ रही बहुत तगड़ी वाली, वो एक रिवर स्ट्रीम भी आ रही है, आवाज तुम्हारी सुनाई जा रही है, से बढ़िया पानी जा रहा है, दिखाता हूँ। ये भाई सब गिरे अभी नीचे, इनको देखते हुए मैं डर रहा हूँ।
मैं बच गया, फिसलने वाला था अब, ओए फिसल गया। यहाँ स्लिप रही है बिल्कुल एंड पे। मैं भी जूता बर्फ पे काफ़ी देर से चल रहा हूँ तो उस चक्कर में रबर हार्ड हो गया। सो पहुँच गया हूँ जगह पे, दिखाता हूँ आपको। ये है किलिंग स्टोन का स्पॉट, ठीक है। इसके बारे में स्टोरी भी है आपको, चलो स्टोरी दिखाते हैं। ये स्टोरी, ओ चाइना इन इंडिया ऑल्सो मैंशन। लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ बैड फॉक्स व्हिच हैड अ वाइट फेस गोल्डन फर एंड नाइन टेल्स। So people called the fox Hakumin Kinmo. So friends, ये वो पत्थर देखो, ये स्प्लिट हो रखा है दो पीस में। आई थिंक यही है, अगर इसको जो नीचे पत्थर है उसको उठा के ऊपर रखें तो उससे जुड़ जाएगा तो एक शेप बन जाएगी। तो यही है वो पत्थर जो फॉक्स को, जो तीन पीस में स्टोन को तोड़ा गया था चैंटिंग करके। वाओ, क्या मस्त रिवर स्ट्रीम है भाई, वाटर स्ट्रीम बहुत बढ़िया। आय हाय हाय, ये देखो आप रास्ते दिखाते, ये देखो वाह। पहुंच गया मैं ये जिंजा में, बट अभी मतलब अभी क्या है, जिंजा क्लोज्ड है, ये कोई भी नहीं है। और ये तोरी और रास्ता आगे जाने का गेट को बोलते हैं। एंड देन ये पूरा जिंजा कोई भी नहीं है, पूरी बर्फ ही से ढका हुआ है। देखो क्या मस्त लग रहा है। दोस्तों बहुत धीरे धीरे देखो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि एक आदमी फिसला भी बहुत लंबा नीचे तक गया वापस हो, बट थोड़ा सा और बस, क्योंकि एक्चुअली स्लांट है ना तो स्लिपरी हो सकता है। चलो तो आधा रास्ता तो पार हो गया, पार्किंग तरफ बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों पहुंच गए हम होटल। नेशन इज ऑन योर राइट साइड। पहुंच गए जी। तो दोस्तों रूम के अंदर आ गए हैं, चेक इन कर लिया है और बड़ा रूम मिला है, खुला रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। मुझे ये डर था कि यार बिजनेस होटल है छोटा सा रूम होगा, लेकिन रूम बहुत स्पेशियस, दिखाता हूँ। अलग अलग बेड हैं, सबसे बढ़िया बात ये है ट्विन शेयरिंग वाला ऑफ कोर्स, और रूम बहुत स्पेशियस है तो हम दोनों के लिए बहुत जगह है, यहाँ आराम से बैठ के गप्पे शप्पे मार के पार्टी करेंगे आज। लेकिन पार्टी से पहले अभी हम बना रहे हैं कॉफ़ी, जिसमें हमारे हो गए थे हाथ पैर फूल गए थे हमारे कॉफ़ी बनाने में, क्योंकि मशीन हमें ओपन करनी नहीं आती, बट हाँ फिर थोड़ा दिमाग लगाया, ताकत होते दिमाग लगाई फिर खुल गया। एक कॉफ़ी रेडी हो गई है, अगली तैयार कर रहे हैं। रिबन काट दो जरा। हाँ रिबन काट के, हाँ रिबन, हाँ रिबन भी काटना है, ये रिबन काटना है, सैनिटाइज और खाइए, रिबन मैं काट के काटो, रिबन काटो आप। तो दोस्तों ये था नासू का फर्स्ट डे और मजा आ गया था घूमने में, काफी अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छी लोकेशन है। मतलब हाँ ऐसे आप डे ट्रिप भी कर सकते हो अगर अर्ली मॉर्निंग निकलते हो टोक्यो से, और थोड़ा रिलैक्स करना है ऑफकोर्स तो अगले दिन आओ तो भी ठीक है। तो बजट होटल अगर मिल जाता टाइमली तो आपके लिए मतलब बेटर टू स्टे, अच्छी लोकेशन है। तो कल भी हम जाएंगे घूमने, अब देखते हैं कल कहाँ जाते हैं। तो आज के लिए डे वन यहीं क्लोज करते हैं, अब आपको मिलते हैं कल। सी यू, गुड नाइट। आज हो गया हमारा पार्टी का टाइम, फ्राइडे है पार्टी टाइम, अब आपको मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट।